ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे नागरिक में मरे कुछ संवेदनाएं होंगी, संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है, अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक है। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात, एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक धर्म है, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदना खूब प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सम्पत्ति गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर में गया, आज तुमने बेराही बावड़े मार ले, थोड़े देर में ठंडे हो जाए, सारे है। चलो मैं ये चीज इतना गहराई नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, मेरे तो पीछे लगे रहते हैं। होली क्या, ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे नागरिक में मरे कुछ संवेदनाएं होंगी, संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है, अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक है। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात, एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक धर्म है, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सम्पत्ति गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर में गया, आज तुमने बेराही बावड़े मार ले, थोड़ी देर में ठंडे हो जाए, सारे है। चलो मैं ये चीज इतना गहराई नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, मेरे तो पीछे लगे रहते हैं। होली क्या, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान जो किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था, मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूँ। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की, एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है, और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं, पॉलिसी बना रखी है, उन्हीं को मिलता है, और मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है, अब फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है, किसानों की भलाई की है, किसानों की भलाई के लिए मुझे विभाग मिला हुआ है, और जब तक मैं हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ सारा मेरा ध्यान किसानों की भलाई के लिए लगे रहेगा।